तीन फरवरी को होने वाली रैली को लेकर अनंत सिंह खासे उत्साहित है। अनंत सिंह रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं। खुद को मुंगेर से कांग्रेस का उम्मीदवार के तौर पर पेश कर चुके अनंत सिंह रैली में 1,00,000 लोगों की पेशगी देने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पटना में रोड शो कर अनंत सिंह ने रैली में लोगों को आने के लिए निमंत्रित कर चुके हैं। इसके साथ ही वो लगातार दावा भी कर रहे हैं कि गांधी मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। अब मेहनत क्या कर रहे हैं तो पढ़ते भाई है। मतलब सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि कांग्रेस की रैली सफल हो। रैली सफल नहीं होगा पटना में अभी नहीं हटेगा, गांधी मैदान जमी को। आपके कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे जो आपको मानते हैं आपके क्षेत्र से? कितने? 1,00,000। 1,00,000 लोगों को आप भी लेके आएंगे। हाँ। और आप खुद किस चीज से आ रहे हैं? आप काफी घोड़े और जैसे जनता गोड़ से जाएगा उसे हम भी साथ जाएंगे। अच्छा, गोड़ से ही जाइएगा इस बार? हाँ, गोड़ से पैदल पैदल जाइए। हाँ। और क्या अपील कीजिएगा इस मंच से? आप मंच पर हम कहाँ जाएंगे, हम पार्टी भेजे मंच पर जाएंगे। नहीं सर, अपील कुछ आप भी रहेंगे? कोई अपील नहीं, जनता जाएगा गांधी मैदान से हम हो जाएंगे। लोग इतना आवेगा गांधी मैदान पटना से उनके जाम हो जाए। रैलियाँ बहुत हुई हैं, मतलब चाहे आरजेडी का दौर रहा हो या नीतीश कुमार का दौर रहा हो, लगता है कि सारी रैलियों का रिकॉर्ड जो है इस बार टूट जाएगा कांग्रेस रैली में? निश्चित। तैयारियाँ क्या कुछ कर रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता कुल खाना को जरूरत ही किया है कि जो जनता में खाएगा कुल कचकर्ता व्यवस्था किया है। तो क्या क्या बनेगा, मतलब क्योंकि जो लोग आएंगे कब से आना शुरू हो जाएंगे? दूर के शाम से आना शुरू हो जाएंगे। जागरण है, जागरण को देखेंगे, खाना खाएंगे, गांधी मैदान जाएंगे। तो क्या कोई स्पेशल मेन्यू भी है, क्या क्या मिठाई? नहीं नहीं, जनरल। मतलब आपके क्षेत्र के जो लोग हैं या जो आपके आवाहन के जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए आपके तरफ से और आपके संयोजक तरफ से इंतजाम किया गया है? हाँ हाँ हाँ। सर, एक हमेशा से एक सवाल जो चलता रहता है वो ये कि आपकी डील फाइनल कांग्रेस से नहीं होगी, बावजूद इसके आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बात है? अब जनता कर रहा है, पब्लिक कर रहा है, तो उस पर हम नहीं रहे, बस बाहर चल जाए। जो जनता करता है अपने साथ हम रहते। मतलब अनंत सिंह का साथ हाथ के साथ हम आ गया। हाँ। तो क्या ये है कि टिकट आपका कन्फर्म है वहाँ से? क्या टिकट मिलेगा या कन्फर्म हो गया है? टिकट है, कोई कन्फर्म नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं, नहीं। लेकिन आपने मतलब एक तरीके से कि आपकी तैयारी पूरी है, टिकट मिले ना मिले लेकिन आपने पूरे दिल से जो है उस रैली सफल करने के लिए जो आपसे तो जुड़े हैं। हाँ हाँ, रैली सफल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रैली सफल होगा सब उसे पटना जाम हो जाएगा, इतना आदमी आएगा जो कोई आज तक नहीं देखा उतना आदमी आएगा। क्योंकि सर विपक्ष वो हमलावर हो गए हैं, क्योंकि 30 साल बाद करीब कांग्रेस की रैली पटना में हो रही है, आप भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है खास करके बीजेपी जेडीयू ये तो दल हैं, उनके अंदर की जो बेचैनी वो साफ नजर आ रही है, वो काहल कर रहे हैं इसे हम नहीं जानते हैं, हमको आदमी जुटाना है। क्या कोई कैंपेन भी चला रहे हैं क्या आपके जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं? हाँ, कार्यकर्ता सब लोग घूम घूम के कर रहा है, सब गांधी मैदान चलना है। इसी को देखते हुए अनंत सिंह ने रैली में आने वाले लोगों के लिए कवायद भी शुरू कर दी है। रैली में आने वाले लोग के लिए अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर मिलर स्कूल ग्राउंड में जोर शोर से तैयार कर दी गई है। पचास कारीगरों की टीम आज से ही मिठाई बनाने जुट गई है, इसके लिए दूध की व्यवस्था टैंकर से की जा रही है। मिलर स्कूल ग्राउंड में आज से कई चूल्हों पर मिठाई बनने का काम शुरू हो गया है। रैली में आने वाले लोगों के लिए पूड़ी, कई तरह की सब्जियां और विभिन्न तरह के मिष्ठान की व्यवस्था की जा रही है।